चाचा चौधरी का पाउडर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, इस डिब्बी में क्या है? साबू, मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों को कूटकर एक पाउडर बनाया है। क्या ये कोई खास किस्म का पाउडर है? हाँ, जरा लगा कर देखो। चाचा चौधरी साबू के हाथ पे थोड़ा सा पाउडर मलते हैं और साबू को खुजली शुरू हो जाती है। ओह, ये पाउडर लगाते ही हाथ पर खुजली होने लगी है। मुझे पता था, इस खुजली को मिटाने वाला तेल भी सिर्फ मेरे पास है। लो, हाथ पर थोड़ा लगाओ। साबू हाथ पर तेल मलता है। हाँ, अब कुछ चैन मिला। किसी बच्चे के हाथ ये पाउडर न लग जाए, इसलिए इसे अलमारी में रख देता हूँ। तभी चाची वहाँ आती है। अरे पता है, बगड़क दास की शादी में जाना है। अरे भाग्यवान, चलते हैं, तुम नाराज क्यों होती हो? चाचा चौधरी चाची को साथ लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चलो चलते हैं भाग्यवान। चाचा चौधरी का घर। मैंने अभी अभी चाचा चौधरी और उसकी पत्नी को घर से जाते देखा, लेकिन वे घर को खुला छोड़ गए हैं। चाचा चौधरी के बारे में मशहूर है कि वह अपने घर को कभी ताला नहीं लगाता। यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, आज उसके घर की थोड़ी सफाई कर दें। वाह, अलमारी नकदी और जेवरों से भरी पड़ी है। एक पाउडर की डिब्बी भी है, इसे भी उठा लो। वो दोनों लुटेरी औरतें सारा सामान बटोर कर वहाँ से भाग खड़ी होती हैं। बैग भर गया, उनके वापस लौटने से पहले खिसक चलो। घर पहुँचकर सबसे पहले ये खुशबूदार पाउडर लगाकर जरा चेहरों की रौनक बढ़ाएं। उधर वापस लौटने पर ओह, अलमारी खुली पड़ी है, सारे पैसे और जेवर चोरी हो गए। चाचा चौधरी को निश्चिंत देखकर चाची को गुस्सा आ गया। अरे, घर में चोरी हो गई है और तुम्हारे कान पर चींटी तक नहीं रेंग रही। भाग्यवान, सारा माल अपने आप वापस आ जाएगा। अरे, चोरी में गया माल भी कभी वापस आता है। तभी आपके सारे नकदी और जेवर इस बैग में है, हम इन्हें लौटाने आए हैं। चेहरे खुजलाते खुजलाते लहूलुहान हो गए हैं, कोई उपाय बताइए। चाचा चौधरी उनके हाथ में तेल डालते हैं। लो, ये खुजली मिटाने का तेल लगाओ। देखा भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि चोरी हुआ माल वापस आएगा। चाचा चौधरी और कैदी नंबर 320। स्वप्नपुर की जेल में कैदी नंबर 320। मैंने लोहे की सलाखें काट दी है, अब जेल की खिड़की से बाहर निकला जा सकता है। और फिर वह जेल की ऊंची चारदीवारी फांद गया। थोड़ी देर बाद जब जेल का गार्ड आया तो हाय, गार्ड घबरा कर जेलर के पास पहुंचा। सर, कैदी नंबर 320 जेल से भाग गया है। वह नामी ठग है, उसे पकड़ना जरूरी है। शहर के चारों तरफ से नाकेबंदी कर दो, एक भी आदमी शहर से बाहर न जाने पाए। उस कैदी का पकड़े जाना जरूरी है। कुछ देर के बाद पुलिस चौकी। हमने शहर का कोना कोना छान लिया, कैदी नंबर 320 कहीं नहीं मिला। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, शहर के जेलर साहब घबराए हुए इधर आते दिखाई दे रहे हैं। चाचा जी, आज मिनिस्टर साहब जेल का निरीक्षण करने आ रहे हैं और जेल का सबसे नामी कैदी भाग गया है। अगर वह पकड़ा न गया तो मेरी नौकरी गई समझो। शहर में तलाश करो। शहर की सीमाओं को बंद कर दिया ताकि कोई बाहर ना जा सके। शहर के एक एक घर की तलाशी लेकर देख लिया, लेकिन वह नहीं मिला। क्या उसे जमीन निकल गई? साबू, जाओ और शहर के तालाब से मछली पकड़ कर लाओ। ये सुनकर साबू चौंक जाता है। मगर चाचा जी,
उस तालाब में तो एक भी मछली नहीं है। साबू, जैसा तुम्हें कहा है वैसा करो। ठीक है, मैं जाता हूँ। साबू तालाब पर जाकर अपना मछली पकड़ने का जाल पानी में डालता है, तभी उसके जाल में कुछ फंस जाता है। ओह, लगता है कोई मछली फंस गई। साबू जाल को बाहर निकालता है। जाल में कैदी नंबर 320 होता है। तुम? हाँ, कैदी नंबर 320। पुलिस को चकमा देने के लिए मैं ऑक्सीजन और मास्क लेकर तालाब में छिप गया था। थोड़ी देर के बाद, चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि भागा हुआ कैदी तालाब में मिलेगा? तुमने सारा शहर तलाश कर लिया था। एक जगह है जो तुम्हारी नजर से चूक गई, वह था शहर का तालाब। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और क्रिकेट टेस्ट। विदेशी क्रिकेट टीम का भारत में मैच। साबू, ये मैच बड़ा रोमांचक होगा। विदेशी टीम का कप्तान। भारतीय टीम को जल्दी आउट करना है। 11 गेंदों पर 11 खिलाड़ी आउट होंगे। वह कैसे? इस गेंद को थामो। इतना कहकर वो गेंद कप्तान की ओर उछाल देता है, जो कप्तान के हाथ से फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। ओह, इतनी भारी! अंदर लोहे का ठोस गोला है, ऊपर से चमड़े का कवर चढ़ा है। ये गया मेरे ओवर का पहला बॉल, और बॉल विकेट्स को उड़ा देता है। अपना बैट देखकर बैट्समैन चौंक जाता है। उसकी गेंद मेरे बैट को भेदती हुई निकल गई। क्रिकेट के इतिहास में यह अचंभा पहली बार हुआ है। हमने तुम्हारे कप्तान को पहले ही कह दिया था कि बॉलिंग हम अपना गेंद से करेगा। भारतीय कप्तान। चाचा जी, अब क्या होगा? मैच हार गए समझो। फिक्र ना करो, अगला बैट्समैन बैटिंग करने मेरी तरफ से जाएगा। अगला बैट्समैन साबू। इस लंबू का बैट ही नहीं, टांग भी तोड़ेगा। पर बॉल को साबू ने एक ही शॉट में हवा में उड़ा दिया। बॉलर बॉल को हवा में ही लपकने के लिए दौड़ा। कैच आउट समझो। पर बॉल सीधा उसके सर पर जा गिरी। वाह, कमाल कर दिया! साबू ने अच्छा सबक सिखाया। इधर चाचा चौधरी और भारतीय कप्तान। चाचा जी, साबू का बैट क्यों नहीं टूटा? लोहे को लोहा काटता है, साबू का बैट ठोस स्टील का बना है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और भेड़िया और शेर। एक दिन सुबह सुबह। साबू, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? चाचा जी, बैठे बैठे जिसमें जंग लग गया था, सोचा 300-400 किलोमीटर की दौड़ लगाऊं। और साबू वहां से चला जाता है। चाचा चौधरी, चलो मैं भी देखूं मुझे आज क्या करना है। कल मैंने जो 2 भैंसे बेची थी उसके ये 20,000 रुपए, आज इनको बैंक में जमा करवाना है। बाहर झगड़ू ठग। मुझे भी पता है कि कल चाचा चौधरी को 20,000 रुपए मिले थे, और इस समय चाचा चौधरी घर में अकेला है। मैं ये भेड़िये की खाल पहन कर मकान के अंदर जाता हूँ। चाचा चौधरी मुझे भेड़िया समझ कर डर जाएगा और भाग खड़ा होगा। पीछे से मैं सारी रकम लेकर चंपत हो जाऊंगा। झगड़ू भेड़िये का मुखौटा मुंह पर पहनता है। कुछ दिन अपने आराम से कट जाएंगे। झगड़ू भेड़िये के रूप में घर के अंदर घुसता है। घर के अंदर से एक आवाज आती है। ओह,
बचाओ। और झगड़ू दौड़ता हुआ बाहर आता है, बचाओ। है? पर शेर उसका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। आखिरकार झगड़ू हार मान लेता है और अपना मुखौटा उतार देता है। शेर जी मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मैं असली भेड़िया नहीं नकली हूँ। शेर भी अपना मुखौटा उतार देता है। जाओ, माफ किया है। चाचा चौधरी और चंपत की बिल्ली। एक दिन साबू फुटबॉल खेल रहा होता है। ओह, क्लिप कुछ ज्यादा जोर से लग गई है, फुटबॉल शहर के बाहर चली गई है, जाकर लाऊं। चाचा चौधरी के घर पर टेलीफोन बजता है। हेलो श्रीमान, मैं आ रहा हूँ। अरे दूध तो पीते जाओ। मेज पर रख दो भगवान, मैं लौट कर पी लूंगा। रास्ते में, चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं? चंपत, राष्ट्रपति ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। धनपत, राष्ट्रपति चाचा चौधरी को सलाह मशवरे के लिए क्यों बुलाता है? क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। राष्ट्रपति उसकी सहायता से देश विदेश के कई समस्याओं को हल करते हैं। इधर चाची। ओह, 11 बज गए, मुझे पड़ोस में एक पार्टी में जाना है। दूध मेज पर रख दिया है, वह आकर पी लेंगे। चाची घर से बाहर चल देती है। धनपत, चाची भी जा रही है लेकिन उसने दरवाजा बंद नहीं किया। चंपत, चाचा चौधरी के घर पर कभी ताला नहीं लगता, समझे? यह तो बड़ी अच्छी बात है पूसी। चाचा चौधरी अपने दूध का गिलास मेज पर रखने को कह गए थे, अब घर में कोई नहीं है, जाओ और लपर लपर करके सारा दूध पी जाओ। है? बिल्ली तेजी से घर के अंदर घुस जाती है और उससे तेजी से वापस आती है। अरे तुम वापस क्यों लौट आई? चंपत घर के अंदर घुसता है। चलो पूसी ना सही, मैं ही अंदर जाकर मलाई वाला दूध पीता हूँ। घर के अंदर से चंपत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ। और चंपत दौड़ता हुआ बाहर आता है, बचाओ। चाची, राकेश वापस आ जाओ, मैं आ गई हूँ। चाचा चौधरी और नहले पर दहला। एक दिन रास्ते में, चाचा चौधरी मेरी मदद करो। दुल्ली चंद, क्या बात है? डाकू गोबर सिंह ने चिट्ठी भेजी है और आज 3 बजे तक 1 लाख रुपया देने को कहा है। बिल्कुल मत दो। पैसा ना देने पर उसने धमकी दी है कि वो मुझे मेरे घर से उठा कर ले जाएगा। दुल्ली चंद, ये भी हम नहीं होने देंगे। इधर डाकू गोबर सिंह, सरदार 3 बज गए, डेडलाइन खत्म हो गई, दुल्ली चंद ने पैसा अभी तक नहीं भेजा। मेरे हुक्म की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की, लगता है गीदड़ दुल्ली चंद की मौत आ गई है। गोबर सिंह धमाका सिंह को साथ लेकर दुल्ली चंद के घर की तरफ चल देता है। आओ उसे घर से उठाकर लाएं और मार कर उसकी लाश को चील कौओं के आगे डाल दें। दुल्ली चंद का घर। बड़ी हैरानी की बात है सरदार, दुल्ली चंद ने घर का दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा है, नहीं तो हमें दरवाजा तोड़कर अंदर जाना पड़ता। वो दोनों खुले दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं। दुल्ली चंद बाहर आ जाओ, आप छुपने से कोई फायदा नहीं। घर के अंदर घुसते ही उनके होश फाकता हो जाते हैं। आए आए, दोनों उल्टे पांव बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। भागो! उन दोनों को भागते देख साबू अपना चौगा उतार देता है। हो, 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 हो।
चाचा चौधरी और अंतरिक्ष प्रतियोगिता। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, चाचा चौधरी क्या तुमने ये खबर पढ़ी? अमेरिका में एक अद्भुत प्रतियोगिता हो रही है, अंतरिक्ष प्रतियोगिता। वो आदमी अखबार पढ़ता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाकर और पृथ्वी के चारों तरफ घूमकर वापस सबसे पहले जमीन पर आएगा उसे गोल्ड मेडल दिया जाएगा। इस दिलचस्प प्रतियोगिता में हमें भी भाग लेना चाहिए। क्या तुम्हारे पास अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट है? है। साबू, दिवाली की आतिशबाजी में से बचा हुआ अपना रॉकेट ले आना। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट उठाकर चल देते हैं। साबू जल्दी आओ, नहीं तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट छूट जाएगी। कुछ देर के बाद, भला हो एयर इंडिया के मैनेजर का, जहाज में सीट खाली ना होते हुए भी उसने हमें किसी तरह बैठा दिया। अंतरिक्ष प्रतियोगिता? अरे भाई ठहरो, हम भी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। वो हिंदुस्तानी अपना रॉकेट लेकर आ रहा है। पटाखा। प्रतियोगिता शुरू हुई, रॉकेट छूटे। चाचा चौधरी और साबू, अरे साबू जल्दी आग लगा, दूसरे रॉकेट आसमान में पहुंच गए जबकि हम अभी जमीन पर ही खड़े हैं। साबू झटपट रॉकेट को आग दिखा देता है और रॉकेट चाचा चौधरी को लिए हवा में उड़ जाता है। चाचा चौधरी हवा में उड़ते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं और दूसरे रॉकेट से आगे निकल जाते हैं। टाटा। है? ओ, विश्वास नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के अंतरिक्ष में? मैं योगाभ्यास करता हूँ, जमीन से लंबी गहरी सांस भर के आया हूँ। चाचा चौधरी पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काटने लगते हैं। प्रतियोगिता के अनुसार तो पृथ्वी का एक चक्कर लगाना था, परंतु मेरे कई चक्कर लग गए, वापस चलना चाहिए। चाचा चौधरी वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद अंतरिक्ष प्रतियोगिता परिणाम में चाचा चौधरी को पहला नंबर मिलता है। चाचा चौधरी और चौखट चंद की बीमारी। सेठ चौखट चंद का घर। मैं तो दवाइयां दे देकर थक गया, पर आपके पति चौखट चंद की बीमारी अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। इसका मतलब है मैं अब मरने वाला हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ तो करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लीजिए, शायद वही इन्हें बचा लें। अरे मेरी बीमारी मामूली नहीं है, इसलिए चाचा चौधरी को बुलवाओ। चाचा चौधरी डॉक्टर थोड़ी ही है जो तुम्हें ठीक कर देगा। अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन को बुलवा लिया जाता है। बीबी जी, अमेरिका के डॉक्टर इंजेक्शन आ गए। डॉक्टर साहब मरीज इधर है। हम तुमको ये इंजेक्शन दे रहा है, तुम अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन चौखट चंद में कोई फर्क नहीं आया। कोई असर नहीं डॉक्टर साहब, चाचा चौधरी सबको बचाता है, शायद मुझे भी मरने से बचा ले। ये तो बुखार में यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। आप मेरा कहा मानिए मालकिन, और ईरान के हकीम लुकमान को बुलवा ले, वो तो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। उनको ही बुला लो। थोड़ी देर में हकीम लुकमान आ जाता है। लीजिए, नीम हकीम लुकमान को ले आया। लो मेरा ये फौलादी कुश्ता खा लो और शेर की तरह दहाड़ने लग जाओ। आपका कुश्ता भी बेकार गया, मेरी बीमारी कोई छोटी मोटी नहीं है, इसे सिर्फ चाचा चौधरी जैसा होशियार आदमी ही समझ सकता है। आप मैसूर के राजवेद चूना स्वामी को क्यों नहीं बुलाती? उनकी दवाई आज तक बेअसर नहीं हुई। राजवेद चूना स्वामी, लीजिए, मैं राजवैद चूना स्वामी को ले आया। लो मेरी अचूक संजीवनी बूटी चाट जाओ, फिर देखें। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब कोई उम्मीद नहीं मालकिन, जब इन्होंने मरना ही है तो क्यों ना चाचा चौधरी को भी बुलाकर देख ले। थोड़ी देर में चाचा चौधरी वहाँ आ जाते हैं।
लीजिए, चाचा चौधरी आ गए। डॉक्टर साहब, हकीम जी और राजवैद्य जी, पहले आप यह बताएं कि आपने मरीज को कौन कौन सी दवाएं दी हैं। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फामाइसिन, क्रोसिन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जेड तक मिक्स करके इंजेक्शन दिया है। मैंने सोना भस्म, चांदी भस्म, लोहा भस्म, जमाल गोटा, जाफरान का कोष्टा दिया था। हमने आयुर्वेद की सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे चटा दिया। ये सुनते ही चाचा चौधरी के पसीने छूट जाते हैं। बाप रे, इतनी दवाइयों से तो अगर आदमी बीमार ना भी पड़ा हो तो भी पड़ जाए। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक गोली निकालते हैं। लो भाई चौकटचंद, मेरी ये गोली पानी के साथ निकल जाओ और फिर 4 मील तक दौड़ लगा कर आओ, यही है मेरा इलाज। चौकटचंद चुपचाप गोली को ले लेता है। लो, गोली तो निगल ली, अब दौड़ रह गई। और चौकटचंद उठकर घर से बाहर दौड़ लगा देता है। अरे, वो तो सचमुच घोड़े की तरह दौड़ने लग गया। चाचा, आपने ऐसी कौन सी दवा दी जिसने जादू का असर किया? मैंने उसे कोई दवा नहीं, सिर्फ एक गुड़ की गोली दी थी। वास्तव में वह बीमार था ही नहीं, केवल उसके दिमाग में भ्रम था। उसे विश्वास था कि मैं ही उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए आपकी दवाइयों ने उस पर असर नहीं किया। कभी कभी दवाइयों से ज्यादा असर मनोविज्ञान करता है। चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू हिमालय पर्वत पर घूमने आए। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? साबू, हिमालय पर्वत पर। अरे, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। मेरा मतलब है, हम हिमालय पहाड़ पर क्यों आए हैं? यहाँ कुछ घंटे हम समाधि लगाएंगे और ईश्वर का ध्यान करेंगे। आदमी को अपनी जिंदगी में कुछ समय प्रभु भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए। एक अच्छी सी जगह देखकर चाचा चौधरी रुक जाते हैं। समाधि के लिए ये जगह उपयुक्त रहेगी। शहर की चिल्लापों से दूर, यहाँ हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं डालेगा। साबू और चाचा चौधरी समाधि लगाकर बैठ जाते हैं। तभी बर्फ पड़ने लगती है। चाचा जी, बर्फ पड़ने लगी है। साबू चुप, जब समाधि लगाए बैठे होते हैं तो बोलते नहीं। जब मैं हरिओम कहूँ तभी उठना। बर्फ लगातार गिरती है और उन दोनों के ऊपर जमा होती चली जाती है। खटकू और पटकू, दो चोर। पटको, इस बार बैंक की चोरी में सबसे ज्यादा नोट हाथ लगे हैं। लेकिन तू मुझे यहाँ हिमालय पर क्यों ले आया? शहर में हमेशा चाचा चौधरी का डर लगा रहता है, यहाँ उसकी छाया भी नहीं पड़ सकती। उन दो बर्फ के टीलों पर बैठकर हम नोट गिनेंगे। वो दोनों बर्फ के टीलों पर बैठ जाते हैं। पटको, माल इतना है कि हम दोनों की बकाया उम्र आराम से कट जाएगी। वाह! तभी पटकू के टीले के अंदर से आवाज आती है। हरि ओम। झटको, ये बर्फ का टीला तो बोलता है। लगता है पटको तूने भांग पी रखी है, कहीं बर्फ के टीले भी बोलते हैं। तभी दोनों टीलों में हरकत होती है। समाधि समाप्त, अब उठना चाहिए। वो दोनों चाचा चौधरी और साबू को देखकर भाग खड़े होते हैं। भूत, भागो! चाचा चौधरी और मैडम जारो। मैडम जारो। मिस्टर जारो, हमारी तलवारों ने दुनिया भर में धाक जमा ली है। यस मैडम जारो। संसार के तमाम योद्धा और नामी हस्तियाँ या तो हमारी तलवारों से कट मरे हैं या उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। एक को छोड़कर मैडम। वह कौन है? चाचा चौधरी।
उसने अभी तक किसी के आगे सिर नहीं झुकाया। तो जाओ और चाचा चौधरी को मुकाबले के लिए ललकारो, या तो वह हार स्वीकार कर ले वरना उसे मौत के घाट उतार दो। यस मैडम जारो। मिस्टर जारो चाचा चौधरी के घर की ओर चल देता है। काफी दिनों से मेरी तलवार किसी के खून से नहीं नहाई। चाचा चौधरी जो इतना अकलमंद है, उसका खून भी दूसरों से अलग होना चाहिए। चाचा चौधरी के घर पर, चौधरी बाहर निकलो और जारो से मुकाबला करो। मैं कपड़े पहनकर बाहर आता हूँ, तब तक तुम वहीं इंतजार करो। अगर बिना कपड़ों के ही दुनिया से 9-2-11 हो जाओ तो डॉक्टर को पोस्टमार्टम करते समय कपड़े उतारने का झंझट नहीं रहेगा। अगर तुम डर के मारे बाहर नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर आ जाता हूँ। तुम अंदर नहीं आ सकते। क्या आगे का दरवाजा बंद है? नहीं तो फिर जारो को अंदर आने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इतना कहकर मिस्टर जारो मकान के मुख्य दरवाजे की ओर चल देता है। साबू, फ्रंटियर मेल की तरह बिना इजाजत क्यों घुसे चले जा रहे हो? मैं बेवकूफों के सवालों का जवाब नहीं देता है। साबू झपट कर मिस्टर जारो को उठा लेता है। गिरगिट, लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बोलने का ढंग नहीं सिखाया। और उसको हवा में उछाल देता है। जाओ अपनी माँ से कुछ तमीज सीख कर आओ। मैडम जारो। ए, कौन हो तुम जो बिना इजाजत के अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैडम मैं मिस्टर जारो हूँ। देख लिया चाचा चौधरी को ललकारने का अंजाम? मेरे शरीर की कोई हड्डी क्रैक होने से नहीं बची। ये सुनते ही मैडम जारो गुस्से में भर जाती है। उस चूहे की ये हिम्मत, मैं अभी जाकर उसे मौत के घाट उतार देती हूँ। चाचा चौधरी और मैडम जारो। चौधरी, मेरे हस्बैंड की जो दुर्दशा हुई है उससे मेरा खून उबलने लगा है। लो संभालो तलवार और मैडम जारो से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आओ। चाचा चौधरी तलवार के दो टुकड़े कर देता है। सॉरी मैडम, मेरा उसूल है कि मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। डरपोक, तुमने अपनी जान बचाने का अच्छा बहाना ढूंढा है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी तलवार आ रही है। मैडम जारो तलवार का वार चाचा चौधरी पर कर देती है, लेकिन तलवार टेढ़ी हो जाती है। ओह, मेरी तलवार। चाचा चौधरी आगे चल देते हैं। मैडम जाओ घर जाकर चूल्हा जलाओ। मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ, तलवार से ना सही टक्कर मार कर तुम्हारी पसलियाँ तोड़ सकती हूँ। मैडम जारो एक जोरदार टक्कर चाचा चौधरी को जड़ देती है और मैडम जारो का सिर चकरा जाता है। ओह, ये क्या? चौधरी, क्या तुम फौलाद के बने हो? नहीं मैडम। तो फिर? अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर चाचा चौधरी ने अपनी बास्केट और शर्ट उतार दी। देखो मैंने कपड़ों के नीचे स्टील की ब्लेड प्रूफ जैकेट पहन रखी है। चाचा चौधरी और राजा झाकू। जम्बू का प्रदेश का राजा झाकू। महामंत्री, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के आसपास जो छोटे छोटे राज्य हैं, उन सबको जीत लिया जाए। आपका विचार अच्छा है महाराज, मगर। अगर मगर क्या? हमें दूसरे राज्यों को जीतने के लिए एक बहुत ही कुशल रक्षा मंत्री की जरूरत होगी, जो इस योजना को कामयाबी के साथ पूरा करे। तुम्हारी निगाह में ऐसा कोई आदमी है? भारत का चाचा चौधरी। चाचा चौधरी ही क्यों? क्योंकि सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। महामंत्री, हमने चाचा चौधरी को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया। जाओ उसे कहो कि वो अपना कार्यभार संभाले। नहीं महाराज, वो ऐसे नहीं आएगा। वो अपने देश को बहुत प्यार करता है।
उसे जबरदस्ती उठाकर लाना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद चाचा चौधरी को बोरी में बंद करके लाएंगे। बस तुम उसका हुलिया बता दो। और महाराजा झाकू चाचा चौधरी को लेने के लिए रवाना हो गए। भारत में सिपाहियों, ये बोरी लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाए। जब चाचा चौधरी आए तो उस पर बोरी फेंक कर उसे इसमें बंद कर दिया जाए। एक सिपाही बोरी लेकर पेड़ के ऊपर बैठ गया। मैं उसे लाता हूँ। थोड़ी दूरी पर आहा, रास्ते में ही मुलाकात हो गई। आप चाचा चौधरी है ना? कहिए जनाब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं राजा झाकू हूँ। मुझ में एक बड़ी बुरी आदत है, मैं जिस चीज को पाने की ठान लेता हूँ उसे पाकर ही छोड़ता हूँ। बातें करते करते दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। आज चौधरी, मैंने तुम्हें बोरी में बंद करने की ठान रखी है। और मौका देखकर सिपाही बोरा नीचे फेंक देता है। यही मौका है। ये देखकर रॉकेट भौंकने लगता है। अरे रॉकेट चुप! इधर वो सिपाही पेड़ से नीचे उतर आता है। पकड़ लिया, चाचा चौधरी को पकड़ लिया। लेकिन बोरी के अंदर से आई आवाज सुनकर वो सिपाही चौंक जाता है। अरे कंबख्तो खोलो! चाचा चौधरी और शाका। एक दिन आए बोने, मुझे सलाम कर। आपकी तारीफ। मैं शाका, समुद्र के नीचे बसे पाताल लोक से आया हूँ। मैं इस पृथ्वी पर हुकूमत करने आया हूँ। बड़े भाई शाका, तुम पृथ्वी पर हुकूमत तभी कायम कर सकते हो जब दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले आदमी चाचा चौधरी को मार गिराओ। और शाका उस आदमी के साथ चल देता है। चाचा चौधरी कौन है वह? देखने में एक मामूली आदमी, पर एटम बम भी उसके सामने फटने से इनकार कर देता है। कुछ दूरी पर उन्हें चाचा चौधरी आते हुए दिखाई देते हैं। शाका, वह रहा चाचा चौधरी, होशियार। वह चूहा। शाका अपने कुल्हाड़े को हाथ में उठाए चाचा चौधरी को घेर लेता है। तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर शाका कुल्हाड़े का वार चाचा चौधरी पर कर देता है, जिससे चाचा चौधरी बच जाते हैं और एक तरफ दौड़ लगा देते हैं। शाका भी उनके पीछे दौड़ पड़ता है। हो, 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 हो। शाका होशियार, इसके भागने में भी कोई चाल हो सकती है। चाचा चौधरी एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। यहाँ उसका सामना करना ठीक रहेगा। तभी शाका भी वहाँ आ पहुंचता है। भाग कर कहाँ जाओगे, आखिर थक कर खड़े हो गए। शाका की कुल्हाड़ी का एक जबरदस्त वार और पेड़ दो टुकड़ों में कट जाता है। कटे हुए पेड़ की डाली में लगा मधुमक्खी का छत्ता सीधा शाका के सर पर आ गिरता है। और वो मधुमक्खियां शाका पर टूट पड़ती हैं। बचाओ! और शाका वहां से दौड़ लगा देता है। मर गया।